हमारा पीछे से, ठीक, हमारा ओवल शेप में थोड़ा सा बस हमारा ये चबी है, ये है ना, थोड़ा सा केवल, अगर ये चबी ना होता तो प्रॉपर हमारा वो ओवल शेप में होता, ठीक है। अभी क्या है कि हमारा जो फेस है वो ओवल तो है लेकिन डायमंड शेप में है, तो कह रहे समझने में क्यों इतनी दिक्कत आ रही है। प्रॉपर ओवल तब होता जब हमारा ये जो है वो हैवी ना होता, ठीक है। तो हाँ, अब इसे क्या है, ये हमारा ओवल हो जाता है लेकिन ओवल इसलिए नहीं क्योंकि हमारा ये चबी है, तो हमारा ये डायमंड शेप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। डायमंड शेप में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये हिस्सा नहीं दबाएंगे, इसमें कॉन्ट्योर करना होगा तो कैसे करेंगे, हम ये हिस्सा नहीं दबाएंगे, हम ये हिस्सा दबाएंगे और हम नोज दबाएंगे जिससे हमारा वो बैलेंस सिमट जाए, जो ऐसे है वो ऐसे होगा, ठीक है। इसमें हम कहाँ कहाँ वर्क करेंगे कॉन्ट्योर के हिसाब से, कहाँ कहाँ वर्क समझ में आ रहा है, ये एरिया दबाना है, ठीक है, और ये एरिया नीचे करना है, ठीक है। बाकी हमें कहीं रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर देखेंगे नोज़ पे तो नोज़ को पतला कर देंगे जिससे कि हमारा चेहरा यहाँ से भी दबा लगेगा और यहाँ से भी दबा लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा वो प्रॉपर ओवल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो भी डायमंड में समझ में आ रहा है वो हमारा प्रॉपर ओवल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आई, इतना समझ आया क्यों हुआ, थोड़े थोड़े फीचर्स चेंज हो जाने से हमारा शेप चेंज हो जाता है फेस का, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम आई पे, आंखें बंद करिए, आंखें इनकी कैसी है, थोड़ी सी उभरी में से नहीं चलता है, जब बहुत ज्यादा उभरी होगी इसका मतलब वो प्रोमिनेंट आईज है, थोड़ी तो उभरी होगी। हम डार्क भी दे सकते हैं क्योंकि अंदर की ओर धसी हुई आंखें नहीं कही जाएंगी, तो हम इसमें डार्क कलर भी दे सकते हैं, और अगर ओकेजन है लाइट देने का तो हम इसमें शिमर ग्लिटर भी डाल सकते हैं, तब जब हमारा नाइट मेकअप होगा या इवनिंग मेकअप होगा, ठीक। नॉर्मल फेस है, डायमंड शेप में है, ठीक है। उसके बाद इनकी आईज जो है वो ऑलमंड है, मतलब हमारी स्टैंडर्ड आई शेप है, परफेक्ट आई शेप मानी जाएगी, लेकिन इनका डार्क शाइन, तो एक सिंपल बिल्कुल सोबर की अगर आपको कहीं सब्जी लेने भेज दिया जाए या किसी के पास भेज दिया जाए कि आप जाओ कोई बहुत दिन से मिलने के लिए बुला रहा है ऐसे घर में चाय पे, तो आप किस तरह के कपड़े पहन के जाओगे, तो आप उस तरह से मेकअप करके जाओगे, ठीक है। तो इसे बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल बिना किसी शाइन, बिना किसी वर्क के कपड़े के ऊपर आप किस तरह का मेकअप दोगे, तो इनका दिन का मेकअप कैसा होगा, लाइट मेकअप होगा, पर होगा किस तरीके से कि हमें लाइट मेकअप मिले, उसका मैट मेकअप करेंगे, ठीक है। मैट मेकअप करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें अवॉइड करेंगे, क्या क्या चीज़ों से बचेंगे, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करेंगे, क्या क्या चीज़ें नहीं लगाएंगे। बेस हम लगाएंगे तो मैट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी शाइनी मैट नहीं, बेस नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे मैट में बेस लगाएंगे, चाहे वो लिक्विड लगाएं चाहे वो कंसीलर के हिसाब से लगाएं, ठीक है। दूसरा, आई पे जब मेकअप डालेंगे वो हमेशा हमारा न्यूड शेड जाएगा, पिंक शेड जाएगा, क्यों, क्योंकि लड़की हमारे फेयर कलर की है, पिंक या पीच जाएगा, वो कैसा जाएगा, मैट में जाएगा। आई शेडो भी हमारा मैट में जाएगा। लाइनर हमारा कैसा जाएगा, विदाउट विंग्स, डे में विंग्स नहीं निकालेंगे, ठीक है। डे में काजल प्रॉपर नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो पूरी आईज में अंदर की तरफ देंगे, बाहर की तरफ मर्ज नहीं करेंगे कि हमें बोल्ड आईज नहीं बनानी दिन के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं सी डी पे। सबसे पहले मेकअप शुरुआत करने का पहला स्टेप होता है क्लीजिंग मिल्क से चेहरा साफ करना, क्यों, क्योंकि अगर लड़की सुबह की नहाई है तो भी चेहरे पर डस्ट आपका रहता ही रहता है, ठीक है। तो मेकअप करने से जस्ट पहले हम बहुत अच्छे तरीके से क्लीजिंग मिल्क से चेहरा डीप क्लीन करेंगे, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट उसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो हम क्लीजिंग मिल्क से चेहरा साफ करेंगे, क्लीजिंग मिल्क किसी भी ब्रांड का हो सकता है, ठीक है। आप क्लीजिंग मिल्क से कॉटन के हेल्प से हम चेहरा साफ करेंगे, करने का तरीका देखिए, नीचे से ऊपर की ओर और बीच से किनारे की ओर हम साफ करेंगे। ऊपर के डायरेक्शन में हम कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं, और अगर हम इसको सी पी एम टी में यूज़ कर रहे हैं तो हम
बीस से साइड की ओर, अब इसके बाद एक मिनट गैप देके इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? टोनर सेकेंड हमारा क्या है? टोनर है। टोनर के जब तक कि टोनर स्किन में अच्छी तरह से ले नहीं लेता, अपना काम कर नहीं देता, तब तक हम आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा सीपीएमटी में ध्यान देना है इस चीज़ का, ठीक है? तभी हमारा बेस जो है वो बहुत क्लीन, बहुत लंबे समय तक टिका रहेगा, ठीक है? मेन ये प्रोसेस ही ध्यान देने वाला है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है मॉइस्चराइजर। और यदि नहीं होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे? लाइन्स पड़ेंगे, क्रैक्स पड़ेंगे, ठीक है, और बेस काला हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, ग्रे हो जाता है। इसके बाद हम डॉट डॉट करके मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे। मॉइस्चराइजर भी हम इस तरीके से लगाएंगे कि हमारा स्किन जितना लेना है उसको वो ले ले, सिर्फ फैला के छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज़ में आप फर्जी नहीं करेंगे, ठीक है? साइड से करो कि सबको दिखाओ। हाँ करिश्मा, बीच में हो जाए, इधर हो जाए यार, एक साइड जूम कर लो, दो से होके तो चलेगा। जैसे बहुत अब कर रहे हैं तो इतना सबको दिख रहा, ऐसी कोई परेशानी नहीं बताएगा, ठीक। अब हमारे स्किन ने अच्छे से ले लिया जितना उसको प्रोडक्ट लेना था, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं मॉइस्चराइजर के बाद? ये देखिए, ये सीटीएम हो गया। क्या हो गया? सीटीएम। सीटीएम क्या होता है? क्वेश्चन आता है सीटीएम क्या होता है, सी का क्या मतलब, टी का क्या मतलब, एम का क्या मतलब, समझ में आ गया? टी का मतलब क्लीनिंग, का मतलब टोनर, एम का मतलब डेली सुबह और शाम, रात को सोने से पहले सुबह उठने के बाद सीटीएम यदि आप करेंगी तो रिंकल्स बहुत देर में आएंगे, स्किन टाइट रहेगा, ग्लो रहेगा, ये आपका बेनिफिट है। और मेकअप से करने से पहले सीटीएम नहीं करेंगी तो दाग धब्बे पड़ेंगे, क्रैक्स पड़ेंगे। अरे चालू था क्या? बंद कर लीजिए उसको, निकाल के देखिए, नहीं होगा तो क्रैक्स आएंगे, स्पॉटी आएंगे, पैची हो जाएगा मेकअप। यदि आप स्किन वाला प्रोडक्ट लेगा, काम उतना ही प्रोडक्ट करेगा स्किन में। बाहर से आपने केवल फैला दिया तो वो कुछ देर बाद एक के ऊपर एक चढ़ के चीज़ें वो बराबर हो जानी है, वो काम कुछ नहीं होना है उसका, ठीक है? ऐसे अगर करना होगा तो हम एक ही चीज़ हाथ पे सब लगा के और मिला के एक साथ ही लगा लेते, ठीक है? दो दो सेकेंड, पाँच पाँच सेकेंड हमारे स्किन को टाइम चाहिए अपना वर्क करने का, जो जो प्रोडक्ट लगाएं उसको मिक्स होने का और मिक्स होकर उसका काम करने का। तो हम कोई भी चीज़ में जल्दी नहीं करेंगे, स्पेशली सीपीएमटी में। इसलिए सीपीएमटी मेकअप से पहले बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात वही, क्योंकि वही मेकअप को हमारे लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ठीक है? अब इसके बाद भैया बहुत अच्छा सिखाने पर भैया के लिए ताली बजाइए, हम बहुत खुश हैं। अब आप जब कर रहे होंगे तो आप इनकी स्किन को जब टच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काम कैसा हुआ है, ठीक है? एक है ना, जो एक प्रॉपर काम होता है प्राइमर का, वो हमारे स्किन को टच करने के समय में आता है कि हमने प्रोडक्ट कम नहीं लगाया, प्रोडक्ट जितना ज़रूरत है उतना ही लगाया, ठीक है? और हमारे स्किन में अच्छी तरीके से वो। अब इसके ऊपर अगर हम पतली लेयर भी लगाएंगे फाउंडेशन की ना, वो भी हमारा वर्क करेगा। और चूंकि आज प्रॉपर दिन का मेकअप है तो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप देना नहीं, इसलिए हम सीपीएमटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? पे रख लीजिए, चाहे लिप्स के आसपास देख लीजिए, कहीं रेडनेस की कोई प्रॉब्लम है नहीं इनके में, मतलब कोई एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है, कोई पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? स्किन एक तरह से क्लीन है, ठीक है? डार्क सर्कल तो एक अलग मैटर हो गया, वो तो ज़्यादा अगर कोई फेयर कलर है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा हल्का तो रहेगा ही रहेगा, वो सब में रहता है, नींद ना पूरी होने की वजह से, चाहे पोल्यूशन की वजह से, चाहे किसी भी वजह से, ठीक है? चाहे बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से, तो वो प्रॉब्लम हर एक में मिलती है हम लोग के जो इंडियन स्किन टोन के हिसाब से, ठीक है? तो इसमें क्या है कि हम ऑरेंज कलर करेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पहले क्लास में बता रखे हैं, थ्योरी में बता रखे हैं, कहीं पर डार्क स्पॉट या डार्क कहीं भी होगा, ब्लैकनेस कहीं भी होगी, वहाँ हम ऑरेंज कलर करेक्टर से हम उसको करेक्शन करेंगे, ठीक है? कि पीछे वालों को दिखाई देता रहा, कुर्सी पे बैठ के बनाइए जूम करके बेटा। बहुत ज़्यादा अगर हम करेक्शन के लिए लगा लेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट नहीं हुई
तो हमारा क्या होगा, जब बेस बनाएंगे पतला तो उसमें हमारा जो कनेक्शन है वो नजर आएगा। ब्लेंडर को हम हल्का सा हमेशा गीला करके और बिल्कुल स्विच कर देंगे, ठीक है, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। या इसका एक और तरीका है कि हैंड टॉवल जो होता है छोटा हैंड टॉवल में हम इसको करके खूब अच्छे से सुखा लेंगे, ठीक है, हल्का बस गीला होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो ये काम आप 10-15 मिनट पहले करके रख लेंगे, ठीक है, इसको थोड़ी हवा लग जाए, ठीक। अब इसके बाद कलेक्शन करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे, का फोरहेड पे ब्लैकनेस होती है टैनिंग की वजह से, वो चीज़ ध्यान देंगे, इनके में रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हमने फोरहेड पे अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ जहाँ जहाँ जरूरत है हमने वहाँ वहाँ अप्लाई किया है। बहुत ज़्यादा करेक्शन होता है तो इसके बाद हम क्या करते हैं, बेस लगाने से पहले एक बार कवर करने के लिए, बहुत ज़्यादा अगर हमने करेक्शन किया है तो उसको छिपाते हैं, उसके बाद तब बेस लगाते हैं। बेस हमारा मेन होता है, बेस के पहले जितना काम हमें करना होता है सब कर लेते हैं, बेस के बाद सिर्फ मेकअप शुरू हो जाता है। बेस के पहले हमारा कलेक्शन वाला पूरा मतलब पोर्शन रहता है, और जब बेस लगा लेते हैं तो बेस के बाद हमारा एक्चुअल में मेकअप शुरू होता है। अभी तक हम केवल चेहरे की मरम्मत में लगे हुए हैं, ठीक है, प्रॉब्लम छिपा रहे हैं, और एक चेहरे को बिल्कुल एक क्लीन एक जैसा पूरा टोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है कहीं डार्क है कहीं लाइट है, तो सबको एक जैसा लाइट करके तब उसके स्किन टोन के हिसाब से हम जो है बेस अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा बेस बिल्कुल पतला होगा तो हमारा बेस काम करेगा, हमें बहुत ज़्यादा हैवी बेस नहीं लगाना पड़ेगा। ज़्यादा आई मेकअप पे वर्क होना नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे जो कि फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे। इसके बाद हम अगर लिक्विड कंसीलर लगाना होगा तो लिक्विड कंसीलर से बेस बनाएंगे आई पे, और अगर हमें क्रीम लगाना होगा तो हम क्रीम बेस पे वर्क करेंगे, ठीक है, दोनों ही जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा इसकी जो क्लाइंट है, हमारे क्लाइंट की जो स्किन है वो कैसी है, ऑयली नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, ना बहुत ज़्यादा ऑयली ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो अपनी चॉइस के ऊपर है। अगर बहुत ज़्यादा आंखों पे कलर डालने हैं तो हम वाइट कंसीलर यूज़ करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा आंखों पे कलर नहीं डालना है तो हम स्किन टोन का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। तो चूंकि इनका डे का मेकअप है, नाइट मेकअप नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कलरफुल आइज़ नहीं बनानी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रोमेटिक आइज़ नहीं बनानी है, हैवी मेकअप नहीं देना है, तो हमें स्किन टोन से दो टोन लाइट, अगर आपके पास छोटा ब्लेंडिंग नहीं है तो आप बड़े से करेंगे, कंसीलर को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद हम कंसीलर लॉक करते हैं, जो कि हम लूज पाउडर से लॉक करते हैं, ठीक है, लॉक करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर नहीं करेंगे और ये स्टेप भूल गए तो वो ब्लेंडिंग मत होगा, हमारा जो कंसीलर है चिपचिपा होगा, लिक्विड का चिपचिपा होगा, इसके अंदर कोई भी पाउडर फॉर्म का आई शेडो लगाएंगे तो वो हमारा चिपक जाएगा, वो ब्लेंड करते समय जो हमारा बेस है वो भी हट जाएगा, ठीक है, तो लॉक कर दिया, अच्छे से ब्लेंड होगा, लॉक कर दिया, इसका मतलब हमारा जो बेस है वो इधर उधर जाएगा नहीं, हम इसके ऊपर ब्रश लगाएंगे, हमारा बेस नहीं खराब होगा, इससे बेस सेट हो गया, ठीक है। अब हम पाउडर फॉर्म में जो बिल्कुल नेचुरल लुक देना है, प्लस हमारी क्लाइंट जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन की है, तो हमेशा पीच कलर या पिंक कलर से ही हम मेकअप करेंगे, स्मोकी नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि दिन का मेकअप है, ठीक है, जा सकता है इनकी आईज पे सब, क्योंकि इनकी आईज जो है वो ऑलमंड है, लेकिन ओकेजन कैसा है और इन्होंने पहना क्या रखा है, इनको जाना कहाँ पे, इसके हिसाब से मेकअप करेंगे, ठीक है, स्मोकी कब करेंगे, जब हमारा इवनिंग में होगा मेकअप, तो सबसे पहले नेचुरल पीच और स्किन टोन के कलर का हम लेके क्रीज लाइन, हमारी क्रीज लाइन के ऊपर अप्लाई करेंगे दोनों तरफ, और उसके बाद उसको राउंड करके जो भी प्रोडक्ट लगाएंगे इस एक आंख में लगाएंगे तो दूसरे आंख में तुरंत ही लगाएंगे ताकि दोनों इक्वल हो, ठीक है। हल्का सा पिंक कलर का ब्रश में टच करना है, केवल टच करना है, और उसके बाद इसको ब्लेंड करना है, कटिंग होता है
उसमें ज़्यादा चीज़ों का ध्यान देना होता है, उसमें ज़्यादा हाथ सदा होना चाहिए। डार्क मेकअप तो आसान है, सबसे कठिन यही लाइट मेकअप है। इसमें एक बार हाथ सेट हो गया, हमारा कंट्रोल हो गया, तो हम डार्क मेकअप में कोई दिक्कत नहीं आती। हम जितना दो बार तीन बार में ब्रश में उठा लेंगे प्रोडक्ट, उसको डार्क करते चल गए। लेकिन बिल्कुल लाइट करना है तो हमें कितना उठाना, कितना ब्लाइंड करके उसको हटाना है, आंखों पे कितना हमें ज़रूरत है, कितनी चाहिए, वो एक बार हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। वो हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, उसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। डार्क मेकअप और ब्राइडल तो फिर भी एक बार हो जाएगा। इसके बाद दो तरीका होता है, ठीक है, हमने डार्क में पिंक कलर दे दिया, ठीक है। इसके बाद हम अगर आंखों पे और रोशनी चाहते हैं तो हम ये कलर से, स्किन कलर से हम इसको अंदर की ओर डालेंगे, और अगर आंखें फिर भी थोड़ी सी डार्क लग रही हैं तो एक बार हम कंसीलर, चाहे वो कंसीलर लेंगे, आई बॉल पे लगाएंगे और उसको आई बॉल पे ब्लेंड कर देंगे, सिर्फ आई बॉल पे, हमें पिंक एरिया पे नहीं जाना है, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारी आंखों पे लाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। जो क्योंकि हमें दिन का मेकअप है, हम इसमें शाइन या शिमर नहीं यूज़ कर सकते, मेरी मजबूरी है, तो हम मैट में जाएंगे, तो हम मैट में कंसीलर की हेल्प ले सकते हैं, जिसके बाद हम कोई भी लाइट कलर डालेंगे तो वो और ज़्यादा हाईलाइट होगा, प्लस बिना शाइन के। आप लोग एक चीज़ का ध्यान दे रही हैं, जब क्लास में आप लोग करती हैं जो सीनियर लड़कियाँ हैं, आज देखिए नहीं सीनियर दो नहीं आई हैं, तो आगे आ जाती हैं, भैया को देखिए साइड से मेकअप कर रहे हैं, आगे आ जाती हैं, छींक लेती हैं। ध्यान दीजिएगा जो हम कह रहे हैं, जब सीनियर लड़कियाँ मेकअप करें तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको आगे नहीं होना। और एक तो आपका कस्टमर के सांस में सांस आपका आएगा, और साइड से कस्टमर को किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, उनको अनकम्फर्ट नहीं देना, साइड से मेकअप करें, ठीक है। जितना हमें चाहिए हम उतना ही प्रोडक्ट ब्रश में उठाएंगे, जिसका ध्यान रखिए एक बार प्रोडक्ट डस्टअप नहीं करेंगे और एक बार अप्लाई कर दिया तो आप ब्लेंड करते रह जाएंगे, पर वो उतना फिनिशिंग सफाई आएगी नहीं और टाइम भी बहुत लगेगा, ठीक है। बताना पड़ रहा है इसलिए, वरना ये मेकअप सिर्फ 15 मिनट का, डिटेलिंग बता रहे हैं इसलिए, मुंह बंद करके करना पड़ेगा, तब तक हम तैयार करके भेज दिए। ब्रश में उठा लेंगे, सबको दिख रहा, कोई परेशानी तो नहीं किसी में भी, इनर कॉर्नर पे हमेशा लाइट डालते हैं, जिससे कि हमारी आंखें जो हैं वो बड़ी दिखें और उभरी हुई दिखें। क्लास में हमने दो तरह से मर्ज करना बताया है, यूं राउंड क्लॉक एंटी क्लॉक और यूं, इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी भी ऐसे ऐसे ब्रश नहीं चलता, यूं चलेगा या ध्यान दीजिए, हाँ ठीक है। ये हमारा मेरे हिसाब से इतना ही हमें चाहिए था, ठीक है, दिन के हिसाब से, विदाउट एनी शाइन, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं है, मीठा मीठा सा कलर है, जैसा कपड़ा है, जैसा मौसम है, गर्मी का मीठा मीठा सा कलर है, ठीक है। इतने मेकअप के बाद हमें एग्रोफिल करना है, हम एग्रोफिल करेंगे हमारे किससे, एंगुलर ब्रश से, हमारा एंगुलर ब्रश है, ठीक है। नेचुरल देना है तो हम ब्राउन कलर लेंगे, डार्क ब्राउन, उसको पहले अलग कहीं उसको कम करेंगे, ठीक है। अगर कभी भी डायरेक्ट पैलेट से उठा के हमें फेस पे नहीं लगाना है, डस्ट आउट करना है उसको, एक बार बेकिंग कहते हैं उसको करना है, तब जाके यूज करना है। और यहाँ पे बॉक्स नहीं बनाएंगे क्योंकि इनके आईब्रो ग्रूम नहीं है, तो थोड़ी सी जो स्टार्टिंग होता है वो यूं चलता है, ठीक है। जब ये वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे चलता है, और जब 70% हो जाता है तो बेंड हो जाता है, बस ध्यान दीजिए उसको। अब ये देखिए एक्स्ट्रा बाल है, ये एक्स्ट्रा बाल अगर निकल जाता, ठीक है, आगे से जो मन करेगा वो ध्यान, वो नहीं नहीं जाएगा, करवाती नहीं चाहिए ना ये, इसलिए ठीक है। शेप दे दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा बाल है ये अलग से खाली बस दिख रहा है, ठीक है, शेप हमारा समझिए तो यही है। आईब्रो का शेप भी हम फेस के हिसाब से देंगे, और आईब्रो सेट करते समय भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा यदि आप ऊपर पॉइंटेड बना देंगे तो हॉरर बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगेगा, बहुत ही नेचुरल, और 70% हमारा गुलाई रहेगा, 30% बेंड रहेगा, नीचे की ओर रहेगा, और लाइट ब्राउन से पहले फिर डार्क ब्राउन, लास्ट में हम ब्लैक को टच करेंगे आई शेडो यूज करते समय, और स्ट्रोक टेक्निक यूज करेंगे। इसके बाद लास्ट में भी पूरा बेस कंप्लीट होने के बाद एक बार आईब्रो करते हैं, क्योंकि हम जब ब्लेंड करते हैं तो हमारे आईब्रो पे प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, ये नेचुरल है। एक बार पहले करके हमें आई मेकअप कंप्लीट करना है, फिर बेस कंप्लीट करने के बाद आई और लिप्स एक बार फिर से टचअप देना ही देना होता है। आईलाइनर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने मैट कलर का आई शेडो लगाया है।
लिक्विड लाइनर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा लिक्विड लाइनर जो है वो शाइन वाला होता है, और चूंकि हमने जो आई मेकअप किया है वो मैट किया है इसलिए हम उस पर शाइन वाला लगाएंगे, तो हमारा लाइनर ज़्यादा हाईलाइट होगा। लाइनर भी आप लोगों को बहुत तरह तरह से लगाया जाता है, लाइनर भी ओकेजन के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, फेस के हिसाब से आईलाइनर, जैसे जैसे मॉडल होंगी उसके उसके हिसाब से आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। मस्कारा लगाएंगे क्योंकि आईलैशेस तो लगा नहीं सकते दिन में, और हमेशा हम जो गलती करते हैं मस्कारा में वो ऐसे करते हैं, इससे हमारा एयर ले लेता है और मस्कारा सूख जाता है। हमेशा मस्कारा लगाएंगे तो ऐसे घुमाएंगे जिससे हमारा मस्कारा में सारे उसके प्रोडक्ट ब्रश में आ जाए, ठीक है, आ जाए। और अब निकालते हैं, जब निकालेंगे तो फिर अब पंप नहीं करेंगे इसको, पंप करने से हवा चली जाती है तो मस्कारा सूख जाता है, तो ये होता है मस्कारा अच्छा लेता, हमारी गलती होती है, ठीक है। मस्कारा लगाने का तरीका, सबसे पहले ऊपर से नीचे की ओर मस्कारा लगाएंगे जिससे कि हमारे जो भी काम किया है उसकी जो भी डस्ट हमारे पलकों पर गिरी है वो क्लीन हो जाए, उसके बाद हम नीचे से ऊपर की ओर मस्कारा का अच्छा रिजल्ट अगर चाहते हैं तो हम दो बार मस्कारा अप्लाई करेंगे, एक कोट फिर दूसरा कोट, जैसे हम नल पेंट में करते हैं। हमारा आंखें बंद है अभी क्लाइंट की, क्योंकि हमारा लाइनर सूखा नहीं है, कुछ लाइनर होते हैं जो तुरंत सूख जाते हैं, ये वाले लाइनर जो है थोड़े से टाइम देते हैं सूखने में, ठीक है, तो क्लाइंट को भी आंखें बंद करने को कहेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम फेस पे, लेने का तरीका देखिए किस तरह से लिया जा रहा है और अप्लाई करने का तरीका देखिए। आधे आधे इंच की दूरी पर लगभग हम अप्लाई करेंगे, स्पॉन्ज के माध्यम से इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, कॉन्टूर हम करेंगे तो जॉलाइन पे भी करेंगे, चिकपोन कॉन्टूर हम ब्रश से पाउडर फॉर्म में करेंगे, ब्लशर नहीं यूज करेंगे, तो हमारा कॉन्ट्योर का एरिया जो है ठीक। इसके बाद सारे प्रोडक्ट निकाल के हमें इसको ब्लेंड करना है। कंटूर कितने तरह के होते हैं बताइए। नोज कॉन्ट्योर करते हैं पाउडर फॉर्म में, ठीक है। कॉन्ट्योर के बाद अब हमारा क्या स्टेप आता है, हाइलाइटर शाम का होगा, इसी के बाद ब्लशर यूज करेंगे, अगर शाम का नहीं है डे का है तो हम ब्लशर यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
कौन कौन सा एरिया हमें कंसीलर से हाईलाइट करना है वो देखिए, कंसीलर से ही क्यों हाईलाइट किया? हमें ग्लॉसी मेकअप नहीं करना है। आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछिए। थ्योरी पे तो सीरियसली ध्यान नहीं देंगी तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा, इसलिए जो थ्योरी किया गया है बताया गया उसको अच्छे से समझिए, बात सुनिए और उस थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको देखने का प्रयास करिए। थ्योरी करने मतलब करने के बाद मैम प्रैक्टिकल करने के बाद समझ मतलब कर रहा है सर तो समझ में आ रहा है। वही बात है, मैंने क्या कहा था अब 10 दिन बाद पूछेंगे जो हमने कराया तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ साइनिंग साइनिंग सर लग रहा है अभी कंसीलर है ना, कंसीलर की साइनिंग बीच में नहीं बोलिए बस देखिए ये लग रहा वो लग रहा वो अपने तरीके से देखेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछे। पाउडर से लॉक करेंगे, पाउडर का तरीका देखा, पाउडर लेने के बाद डस्ट आउट करेंगे तब जाके बैक को अभी भी डायरेक्ट नहीं लगाना, कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे तो उसे डस्ट आउट करके ऊपर देखिए। स्प्लिट करेंगे इसको ना तो वहाँ हमारा बेस हटने का खतरा रहेगा। ये क्या रहता है बिल्कुल संभाल के ब्रश को देखिए, टैप टैप किया जाता है, ब्रश को ऐसे ऐसे नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिए, यानी जो प्रोडक्ट जहाँ है वो सेट रहे इसलिए टैप टैप किया जाता है। टैप टैप क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है यदि हम ब्रश को यूँ कर देंगे या और जब हम वो लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, पफ से लगाएंगे, हटना ही हटना है। कंटूर वाला एरिया बचा के हम पूरे बेस को लॉक करेंगे। ठीक, अब इसके नीचे हमें क्या लगाना है, सिर्फ काजल लगाएंगे। ये हम दुल्हन में भी करेंगे, ठीक है, ऐसे नॉर्मली मेकअप में भी करेंगे और दुल्हन में भी। हाँ, अगर लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो हाईलाइटर यूज नहीं करते, ठीक है, लेकिन अगर हमारी क्लाइंट की डिमांड होगी तो हम बिल्कुल नेचुरल रोज गोल्ड कलर से हम हाईलाइट करेंगे। भैया किस कलर से करेंगे? रोज गोल्ड, रोज गोल्ड ये सबसे ज़्यादा नेचुरल शेड होता है स्पेशली वन फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए। हाईलाइटर की क्वांटिटी हम ओकेजन के हिसाब से लेंगे। ठीक है, अब ये जो शाइन कर रहा है ये धीरे से जब सेट होगा आधे घंटे बाद मेकअप हम बन। ठीक है, इसके बाद अब हमारे चेहरे पे क्या लेके आ, लिपस्टिक। लिपस्टिक का कौन सा शेड जाएगा? प्रोडक्ट यहाँ नहीं लगाएंगे, हम ब्लेंड करके यहाँ पे लेके गए ऊपर तक और कॉन्ट्योर जो ब्रश से किया है हमने उस कॉन्ट्योर को हल्का सा किया जिससे कि हमारा चौड़ा माथा ना लगे, ये एरिया ये कवर हो जाए। ठीक है,
लिपस्टिक हम किस कलर में जा रहे हैं? लिप लाइनर हम कब लगाएंगे? शाम के टाइम। अगर हमारा लिप लाइनर पिंक कलर का है, डार्क पिंक कलर का है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारा लिप लाइनर मैरून कलर का है या चॉकलेट ब्राउन कलर का है तो हम इवनिंग में करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी लिप्स। हमें नेचुरल देना है, पहले लिप बाम लगा के उसको छोड़ देंगे स्टार्टिंग में, जब सिर्फ एम्प्टी कर रहे होंगे तब लिप बाम लगा के छोड़ देंगे, ताकि पूरा मेकअप के बाद जब लिपस्टिक तक हम पहुँचे तो हमारा जो है वो लिप्स सॉफ्ट हो जाए। गुड क्वेश्चन। ट्यूपिक बोन है बीच वाली हिस्से को, जो ये पोर्शन है इसको ट्यूपिक बोन कहते हैं। पहला हम लिपस्टिक जब वर्क करेंगे तो ट्यूपिक बोन पे ही करेंगे। लगाते समय सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ऊपर का ओठ का आकार क्या है, हमारा जो है लिप का आकार जो है क्या है, ऊपर का चौड़ा है, नीचे का चौड़ा है, पतला है, इधर बहुत फैला हुआ है, बहुत लोगों का ये चीज बहुत फैला होता है, इस ये जो चीज होता है लिप बहुत फैला होता है, किसी का ऊपर का चौड़ा होता है, नीचे का पतला होता है, किसी का नीचे का मोटा होता है, ऊपर का पतला होता है, तो हम इसको कैसे मैनेज करेंगे? आउटलाइन से, लिप लाइनर से हम आउटलाइन से हम इसको मैनेज करेंगे, और जो जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कंसीलर से इसको हाइट करेंगे। और सपोज करिए यदि किसी का ओठ मोटा है हम उसको कम दिखाना है, अगर आप सागर चोटी कर सकती हैं तो आप सागर चोटी कर लेंगी, ठीक है। अगर आप सागर चोटी नहीं करना चाहती, ओपन हेयर रखना चाहती तो आप ओपन हेयर, किसी का लंबा स्ट्रेट बाल है तो वो चोटी भी कर सकता है। अगर आपने स्टेप कटिंग कराई है तो आप चोटी नहीं करेंगे, आप ओपन करके भी जा सकती हैं, हाफ क्लच लगा के जा सकती हैं, जो नॉर्मली लोग करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल की ज़रूरत नहीं है प्रॉपर कि आप स्टाइल कर रहे हैं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आप रिंग निकाल रहे हैं, वो हम शाम के मेकअप में ज़्यादा करते हैं। दिन में क्या होता है, नॉर्मली हम लोगों को कहीं जाना होता है, हल्का सा मेकअप डाला और हल्का सा हाफ क्लचर लगाया और निकल गया, ठीक है। ये वो कैटेगरी का मेकअप बताया है कि बिल्कुल भी बेस भी बिल्कुल ना के बराबर बेस लगाया है, बिल्कुल ना के बराबर करेक्शन हुआ है, बिल्कुल नहीं के बराबर आई मेकअप हुआ है, बिल्कुल नहीं के बराबर लाइनर लगा है। इतना लाइनर लगा के लड़कियाँ मॉल में अगर कुछ सामान खरीदना होता है तो भी इतना लाइनर लगा के लड़कियाँ मॉल में जाती हैं, ठीक है। आप घर से बाहर निकल रही हैं तो आपको इतना सेल्फ कहते हैं ना मेकअप नहीं प्रॉपर, हल्का सा टचअप इसको आप कह सकते हैं, ये टचअप कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा करेक्शन, बहुत ज़्यादा शाइन, बहुत ज़्यादा ब्लशर कुछ भी छुआ ही नहीं गया है। थोड़ी देर बाद ये मेकअप ऐसा सेट हो जाएगा कि ये लगेगा नहीं, आपको हमने करके दिया है इसलिए आपको पता है कि मेकअप हुआ। बाहर निकल के जाएंगे कोई नहीं कहेगा कि मेकअप लड़की इतना मेकअप करके आएगी, दिन है ना तो बाहर की रोशनी में आर्टिफिशियल लाइट में बहुत फ़र्क होता है। यदि आपको लड़की दिखाना होगा तो आप यही मेकअप करेंगे, स्पेशली बहुत हुआ तो हमारे हिसाब से थोड़ा सा आँख के नीचे थोड़ा सा लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन का आप दे सकते हैं, ताकि थोड़ी आँखें उभरी हुई थोड़ा बड़ी लगें इनकी आँखें, क्योंकि बड़ी हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा मेकअप करके लेके जाओगे तो वो नकार देते हैं, कहते हैं आप नॉर्मल लेके आइए बिना मेकअप के, तो जब कहेंगे बिना मेकअप के लेके आइए तो आपको ये मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बार लड़कियों को तैयार किया है कि वो आएंगे कि हमें लड़के वाले कैसे फोल्ड करना है, देखिए एक इंच छोड़ते हैं और कैसे रोल कर रहे हैं और पकड़ कैसे रहे हैं, और इससे ये टच करके देखते रहते हैं, जो ऐसे छू रही हैं टच कर रही हैं, 2-3 मिनट होल्ड करते हैं फिर ऐसे करके धीरे से, और जब स्प्रे करना होता है तो इसी पे स्प्रे करके तुम बाल को ऐसे छोड़ते हैं, केवल आगे आगे कर लीजिएगा इस साइड वाले। रोल बहुत तरह का होता है, मोटा रोल रोलर पतला रोलर होता है, ठीक है। हम जब प्रोफेशनल होंगे तो हमें बहुत तरह के रोलर रखने होंगे, लेयर रोलर यूज करेंगे, तो हमें रोल पतला चाहिए, मोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, हम उसी के हिसाब से रोलर यूज करेंगे, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। जैसे बहुत से बाल भी ऐसे होते हैं ना कि इस पर कौन सा, इसका बाल बहुत ही वीक है और इस पर बाउंसी वाला रोलर नहीं यूज़ होगा, तो हम हेयर के हिसाब से भी जो इस हिस्से को हम क्राउन एरिया कहते हैं, तो जो भी पफ बनता है वो हमारा ये हिस्से बनता है, मतलब बीच वाले में आगे का पार्ट अलग होता है और पीछे का पार्ट अलग होता है, पीछे आप जूड़ा चोटी कुछ भी करते हैं वो हमारा थर्ड पार्ट होता है, जो मिडिल पार्ट होता है वो हमारा क्राउन एरिया होता है, स्पेशली जहाँ हम पफ बनाते हैं या ट्विस्ट करते हैं या कोई भी थ्रेड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे का पोर्शन होता है वो हम ट्विस्ट करते हैं, चाहे ओपन करते हैं, चाहे कर्ल करते हैं, वो हमारा आगे का थर्ड पार्ट होता है, ठीक है। 1, 2, 3 बेसिक स्टाइल करते हैं, 3 पार्ट्स में करते हैं, ईयर टू ईयर फ्रंट,
चाहे हम उसको रोल करेंगे, चाहे हम ट्विस्ट करेंगे, चाहे इसको हम कल करेंगे, ठीक है। ये किया जिसको हम थोड़ा सा पफी बनाते हैं, ठीक है। और बैक के पोर्शन में हमारा जूड़ा बनता है, कहीं कहीं जूड़ा छोटी दोनों बनता है। तो ये तीन पार्ट्स में हम कोई भी यदि हेयर स्टाइल करते हैं तो हम तीन पार्ट्स में ये वर्क करते हैं, ठीक है। और वो भी हम फेस के हिसाब से, हेयर के ग्रोथ, हेयर की क्वालिटी, इसके हिसाब से हम करते हैं। हम रोलर भी हमें कैसे लेना है, यदि ये बहुत बाउंसी होगा तो हम रोलर, हम हैवी या बड़ा रोलर ले सकते हैं, लेकिन हमारे यदि वीक रहेंगे, हेयर्स कम रहेंगे, लेंथ या ग्रोथ कम रहेगा, तो हम बहुत ही पतला रोलर यूज करेंगे। तो हम रोलर कैसे यूज करेंगे, फेस के हिसाब से हेयर स्टाइल बनाएंगे, ठीक है। फेस हेयर्स को आगे झुकाना है, पीछे बैक लेके जाना है, ये हम फेस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा मेकअप कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर टच करें। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। ये नो मेकअप टॉपिक था, यानी मेकअप रहते हुए भी मेकअप नहीं लगे, बहुत सिंपल, जैसे लड़की दिखाना होता है इस तरह से, या न्यूली मैरिड शादी के बाद कहीं जाती है, बहुत ही हल्का मेकअप ना के बराबर। ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारी मॉडल हमारी स्टूडेंट है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।